दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग का नाम अब वंदे मातरम कॉलेज हो गया है। कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने प्रस्ताव पारित कर ये फैसला किया है। नाम बदलने के साथ इवनिंग शिफ्ट के छात्र भी मॉर्निंग शिफ्ट में शामिल हो जाएंगे। कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के मुताबिक एक बैठक में कॉलेज का नाम वंदे मातरम रखने पर चर्चा हुई, जिसके बाद सर्वसम्मति से नाम बदलने का फैसला हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड में जो केस दर्ज किया है उसमें वो जानबूझकर देरी कर रहे हैं। सोनिया, राहुल और चार अन्य आरोपी कांग्रेस नेताओं ने ये बात सुब्रमण्यम स्वामी के आवेदन के जवाब में कही, जिन्होंने अपने द्वारा दायर विभिन्न दस्तावेजों को स्वीकार किए जाने या इसे नकारने की मांग की थी। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर आवेदन में कई खामियां हैं और इसे शुरू में ही खारिज किया जाना चाहिए। अदालत अब इस मामले में 20 जनवरी को सुनवाई करेगी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम के खिलाफ जबरन वसूली मामले में सबूत दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सलेम पर 2002 में एक व्यापारी से कथित तौर पर जबरन वसूली के रूप में 5 करोड़ रुपए मांगने का आरोप है। अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख तय हुई है। सलेम और 5 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने ग्रेटर कैलाश निवासी व्यापारी अशोक गुप्ता से 5 करोड़ रुपए की जबरन वसूली की मांग की थी। अवैध शराब बिक्री को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग को नोटिस भेजा है। नोटिस के माध्यम से आयोग ने पूछा है कि जहांगीरपुरी और हुलम्बी कला में शराब घरों में धड़ल्ले से बनाई और बेची जा रही है, इसकी सूचना दोनों पक्षों को है या नहीं। यदि है तो इन दोनों पक्षों की ओर से क्या कार्रवाई की गई है। आयोग पिछले कुछ दिनों से लगातार शहर के इन दोनों इलाकों में औचक निरीक्षण कर रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि डीडीए दिल्ली में अपनी जमीन को सुरक्षित रखने में असफल रहा है। अदालत ने इसके साथ ही उसे भूमि प्रबंधन नीतियों के निर्माण तथा सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए एक इकाई बनाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ये इकाई डीडीए की भूमि प्रबंधन नीतियों की निगरानी करे और जब कभी भी जरूरत हो तब सुनिश्चित करे कि अदालत का आदेश लागू हो और वो अन्य सभी पहलुओं की भी निगरानी करे। मुंबई के वेस्टर्न रेलवे लोकल ट्रेन रूट पर गोरेगांव और मलाड के बीच 3 महिलाओं की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। ये महिलाएं पटरियों पर काम खत्म करने के बाद स्टेशन की तरफ जा रही थी कि दोनों तरफ से ट्रेनें आने लगी और हड़बड़ी में बांद्रा इंदौर ट्रेन की चपेट में आ गई और इनकी मौके पर ही मौत हो गई। मुंबई के पास कल्याण में एक विधायक को सुरेश पुजारी के नाम पर 50 लाख रुपए का हफ्ता देने की धमकी मिली है। विधायक गणपत गायकवाड ने इसकी शिकायत एंटी एक्सटॉर्शन सेल में दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि फोन करने वाले ने अपना नाम सुरेश पुजारी बताते हुए 50 लाख रुपए मांगे और नहीं देने पर पूरे परिवार को मारने की धमकी दी। मुंबई के सेंट्रल रेलवे रूट पर ठाणे और एरोली के बीच नया स्टेशन बनेगा। इस स्टेशन का नाम दिघे होगा और इसे बनाने में 107 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस स्टेशन के बनने के बाद मुंबई में सेंट्रल रेलवे की लोकल ट्रेन सेवा के 77 स्टेशन हो जाएंगे। मुंबई में जर्जर इमारतों को रीडेवलप करने के लिए बीएमसी नई पॉलिसी ला रही है। इसके चलते पुरानी और जर्जर इमारतों का पुनर्विकास आसान हो जाएगा। मुंबई में तकरीबन 30,000 जर्जर इमारतें हैं। हाल ही में जर्जर इमारतों के ढहने से हुए हादसों के मद्देनजर बीएमसी नई पॉलिसी ला रही है। महाराष्ट्र के धुले जिले के शिरपुर में हफ्ता नहीं देने पर 2 व्यापारियों को जलाने की कोशिश की गई। आतिश जैन और विकास जैन नाम के 2 व्यापारी भाई अपनी दुकान बंद करने के बाद जा रहे थे कि रास्ते में 2 बाइक सवारों ने उनकी बाइक रुकवाई और बोतल से पेट्रोल फेंका। दोनों भाइयों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई।